नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना मतलब फरवरी 2024 का है, जब मैं बिहार एसआई मेंस का पेपर देने गई थी पटना, तो उसी टाइम मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। और मैं बस इसको रिलीज़ नहीं की थी, यानी कि मैंने बस अपलोड नहीं किया था, मैं सोची थी बाद में करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं पटना रेलवे स्टेशन पे जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं वेट कर रही थी, उस वेटिंग टाइम पीरियड का ही मैंने वीडियो शेयर किया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ पटना जंक्शन पे, और आवाज़ तो शायद आ नहीं रही होगी, और मेरे पास फ़ोन के अलावा कोई और इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं कोई ज़्यादा दूर तक का दिखा पाऊँ। जितना कैप्चर हो रहा है बस इतना ही है। ये है पीछे का व्यू, और यहाँ पे महावीर मंदिर होगा पीछे जो अभी दिख नहीं रहा है। और यहाँ से मेरी ट्रेन है 11 बजे वाराणसी के लिए, तो एक दिन का ट्रिप है मेरा वाराणसी का। उससे पहले स्टे था मेरा पटना में किसी पर्सनल रीजन की वजह से, और फिर वाराणसी भी मुझे जाना है। तो जीवन में पहली बार यात्रा कर रही हूँ मैं, मतलब पहली बार यात्रा नहीं कर रही हूँ, पहली बार मैं वाराणसी जा रही हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि जाऊँ, फाइनली अब वो समय आया है कि मैं जा सकती हूँ। और प्लान हो ही गया, प्लान करना पड़ता है, निकालना पड़ता है टाइम बहुत टाइम से, मतलब 2 से 3 बार मैंने टाल दिया कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, बट फाइनली अब मैंने टिकट ले लिया है तो जाऊँगी ज़रूर। तंग मचाया हुआ है गाइस, देखो देखो देखो, आपस में तो लड़ ही रहा है, खेल कूद रहा है, लेकिन आपस में दूसरा एकदम लपट जा रहा है गाइस। बहुत बदमाशी कुत्ता लोग, पटना जंक्शन पे कुत्ता दिखेगा और कुछ बेघर लोग दिखेंगे, उसमें से एक बेघर फिलहाल हम भी हैं। अरे महाराज, सबके गज डराइए दीजिएगा, का इधर कब होके गया, चल दिया। और अभी रात के 10 बज गए हैं, और फिलहाल अभी मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ खुले आसमान के नीचे। और प्लेटफॉर्म पे जाने की इच्छा तो अभी है नहीं, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा। ब्लॉगिंग तो करने लगे हैं, आता जाता कुछ है नहीं ब्लॉगिंग में, क्या बोले क्या दिखाएं, फ़ोन उठा के अपना मुंह दिखाते रहते हैं हर वक्त। और वैसे पटना के बारे में बहुत कुछ जानने को है, आइए ज़रूर। म्यूजियम है, दो दो म्यूजियम हो गए हैं अब तो यहाँ पे, और उससे भी अच्छा है गंगा नदी में आप मतलब सैर कर सकते हैं। तैराकी करना तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, तैराकी मत कीजिएगा, बट आप लोग जब भी आए पटना तो अगर ट्रेन से आएंगे तो बेस्ट है, बाकी अगर एरोप्लेन से आ रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन जैसे ही आप ट्रेन से उतरेंगे, सामने यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास ही महावीर मंदिर में आप दर्शन कर सकते हो उतरते ही, मतलब आपका ऐसा अच्छा सा आध्यात्मिक सा वेलकम होगा पटना में। और रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है, वेटिंग एरिया भी यहाँ का काफ़ी बड़ा है, और मैं तो इतना दूर से दिखा रही हूँ ना। और चिड़ियाघर भी है, तो चिड़ियाघर बहुत लोगों के लिए है आकर्षण का विषय, बट अब वो उतना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और यहाँ पे स्टेशन पे बहुत सारे लोग बेघर हैं, ये थोड़ी सी समस्या मुझे लगती है पटना रेलवे स्टेशन की। खैर, और भी चीज़ें हैं, मैं खुद ही नहीं घूमी हूँ यार अच्छे से। एक तो गोलघर भी आप घूम सकते हैं, और जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोलघर किन्होंने बनाया था, दिल पे नहीं लेना है, नॉर्मली मैं पूछ रही हूँ, है ना। मन हो तो कमेंट कर दीजिए, नहीं मन हो तो ना करें, ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही है। और बाकी गांधी मैदान भी देख सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है वो। बाकी चीज़ें भी है, मैं खुद ही एक्सप्लोर नहीं की हूँ अभी, तो आप लोगों को क्या ही बताऊँ और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोग भी बताएं। हाँ, एक बार मैं NIT घाट जरूर गई, मैं NIT घाट गई थी मई 2023 में, तो अच्छा लगा था। वहाँ पे गंगा आरती होती है प्रत्येक रविवार को, तो वो अच्छा लगा था मुझे। और फिलहाल मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई हूँ,
समय बीतने का इंतज़ार कर रही हूँ, तो मन हुआ कि फ़ोन उठा के कुछ कुछ बात ही कर लूँ। और कल का दिन एक्साइटिंग रहने वाला है, मतलब इतनी बेसब्री से इंतज़ार है मुझे कल के दिन का कि कब सुबह हो और कब मैं बनारस पहुँचूँ, कब मैं बनारस की धरती पे कदम रखूँ। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, जैसे हरिद्वार जाने की एक्साइटमेंट थी पहली बार, वैसे ही है आज भी। और वो जर्नी भी मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ ज़रूर। आवाज़ जा रही है फ़ोन में ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ब्लूटूथ माइक नहीं है। और लूँगी मैं जल्दी, कुछ कुछ चीज़ें लेनी है मुझे यूट्यूब के लिए, फ़ोन के लिए। और बैकग्राउंड में लोग चल रहे हैं और कुछ कुछ बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेफेस्ट प्लेस लग रहा है मुझे। वैसे है भी पटना रेलवे स्टेशन बहुत सेफ एरिया है, यहाँ पे तो कोई पूरी रात बिता सकता है बैठ के अकेले भी, क्योंकि लोग ही इतने सारे होते हैं कि आप अकेला फील ही नहीं करोगे। और जब लोग सो जाए तो कुत्ते आपको अकेला फील नहीं करने देंगे। और वैसे पुलिस भी हैं यहाँ पे, जगह जगह पुलिस वैन लगी हुई है, तो चिंता का कोई विषय है नहीं, आप बेफिक्र होकर बिहार आ सकते हैं। ठीक है, आइए ना हमारे बिहार में। और जो गाना चला था उसको थोड़ा सा रिवर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्थिति अच्छी हो गई है और साफ़ सफाई भी पहले से बेहतर है। मैं खुद इसकी गवाही रह चुकी हूँ, साक्षी हूँ मैं इस बात की। पहले पटना रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपका मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, मैं बनारस जाने की बात कर रही हूँ और बगल में एक फैमिली है, वो लोग मथुरा जाने की बात कर रहे हैं। बताओ यार, मुझे ऐसे लोग ऑप्शन देते रहेंगे तो क्या करूँ। मतलब मैं घूमने के लिए ही निकलती रहूँ, है ना। बट अच्छी बात है, टाइम टाइम पे मुझे याद दिलाते रहना चाहिए लोगों को, घूमना चाहिए लाइफ। खैर, अभी एक दिन का ट्रिप है बनारस का, मतलब होना तो चाहिए था 2 से 3 दिनों का, बट स्टूडेंट हूँ, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। घर पे बोल के मैं तो जा सकती थी कि हाँ मुझे चाहिए पैसे, बट मेरा मन नहीं हुआ, थोड़ा सा एडवेंचर करने का मन हुआ कि चलो कम बजट में, लो बजट में चलते हैं। वैसे बात बात पे हर ट्रिप के लिए पैसे मांगने लग जाए तो फिर कहीं घूम ही नहीं पाएंगे ना। हाँ, मतलब ये रियलिटी है। वैसे मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, जितना मैंने बजट बनाया है अपना उसके हिसाब से है अच्छे खासे। और ये सारी चीज़ें पता नहीं फ़ोन में आ रही होंगी नहीं आ रही होंगी, मुझे नहीं पता। बाकी अभी पटना रेलवे स्टेशन पे वेट कर रही हूँ मैं, जब ट्रेन आएगी तब थोड़ा सा फिल्म करूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। अभी जा रहा है एटीएम में गाइज। वेटिंग टाइम मेरा काफ़ी लंबा था जिस ट्रेन से मैं जाने वाली थी बनारस, तो उसके लिए मैं सोची थोड़ा चाय पी लूँ, तो चाय तफरी। टेक्निकल तो हो गया है ज़िंदगी में, लेकिन गूगल मेरे से आज तक सही ढंग से नहीं चला है। जब भी गूगल मैप आपके सहारे कहीं गई हूँ, वो एक बंद दीवार के पास ला के पटक दिया मुझे। अभी ATM ढूंढते ढूंढते फिर से वही हाल हुआ। और ये पटना रेलवे स्टेशन का खूबसूरत सा नज़ारा है, जहाँ की लोग अपने ट्रेन के आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। कुछ लोग अंदर भी थे, बाकी लोग बाहर भी थे, जो इसको सेफ़ बनाता है। मतलब यहाँ पे लड़कियाँ अकेले रुक सकती हैं, आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ सेफ्टी इशू है नहीं पटना में, तो खास कर नहीं है। बाकी अब मैं अंदर की ओर अंदर नहीं जा रही हूँ, यहाँ पर मैंने फिर से एक चाय ली है, और चाय की जो आदत है वो अच्छा भी लगता है, और कभी कभी मुझे लगता है छोड़ना भी चाहिए। नहीं दौड़ जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। मतलब दौड़ जाएंगे तुमको, दिमाग खराब है क्या? सर्टिफिकेट सब लेके जाना पड़ेगा भाई, घरवा में एंट्री ना है का हमार? फिर घर में एंट्री, अरे तो घर में एंट्री है तो हम अपना सर्टिफिकेट लेके आ जाएंगे, इसमें क्या है? चाय पिए दोस्तों, चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कुल्हड़ भी छोटा था, क्या ही करे, ठगा गए। मस्त बिहारी वाला एक्सेंट में बोलने में जो मजा है ना यार, दांत तोड़ देगा ये। 10 मिनट लेट है भाई, ये पत्थर का बनाया है क्या? ये टूट भी नहीं रहा,
खाना वाना मंगा, हम खाएंगे यार, खत्म तो हो गया। जो कि आप लोगों ने अभी कन्वर्सेशन में सुना, मैं अपनी रनिंग कंप्लीट करने के बाद फिजिकल क्वालिफाई हो गया, उसके बाद ही मैं अपनी फैमिली को उसको बताई। अपने पेरेंट्स को मैंने फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही बताया कि मैंने फॉर्म भी डाला था बिहार एसआई का। तो खैर ये मेरा अपना डिसीजन था, बाकी मुझे लगा कि जो स्टेप बाय स्टेप जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी खुशी एक एक करके बताने से बेहतर है कि मैं एक साथ फाइनल ही बताऊँ, तो इसीलिए मेरा ये डिसीजन था। बाकी अब मेरी काशी की यात्रा शुरू होने वाली है। और ये ऐसा था कि ये जिस ट्रेन में मैं जा रही थी, बुद्ध पूर्णिमा थी शायद, ये मुझे जहाँ तक याद है, तो ये मेरे होम टाउन से होकर गुजरती है, तो मतलब मैं अपने घर भी नहीं गई। ऐसा ही मैंने प्रीलिम्स के टाइम भी किया था, जब मैं पेपर देने आई थी तो मैं औरंगाबाद आई थी लेकिन अपने घर नहीं रुकी थी, मैं कहीं और रुकी थी किसी और परिचित के यहाँ, जो कि डायरेक्टली मेरे फैमिली से कनेक्टेड नहीं है, मतलब फैमिली से उस तरीके से कनेक्टेड है नहीं। तो बस मेरा ये डिसीज़न जो बिहार एसआई का फॉर्म डालने का था, थोड़ा एडवेंचरस था, जिसमें एग्ज़ाम देने में मैंने बहुत सारी अजीब तरह की हरकतें की, मेनली मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। खैर अब मेरी बनारस की यात्रा शुरू होती है, और मुझे लगा कि ये व्लॉग जो मैंने उस टाइम रिकॉर्ड किया था कभी तो आप सभी से शेयर करना था। इस वीडियो के थ्रू मुझे बस यही आप सभी से शेयर करना था, अपनी जो बिहार एसआई की एग्ज़ाम देने की जो मेरी प्रक्रिया थी उसे शेयर करना था। फिलहाल के इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाय बाय, धन्यवाद।